because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. Working on my dream life. मोहब्बत का नसीब अगर तेरे साथ हो जाए, मेरा छोटा सा आशियाना भी ताजमहल हो जाए। Guys, what's up? And welcome to my channel. और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू यूपी सीरीज। तो आज मैं आई हूँ ताज, दैट इज आगरा एक्सप्लोर करने। आई होप आप भी एक्साइटेड हो यूपी सीरीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजीली आ सकते हो बाय 3 मोड्स, दैट इज़ बाय एयरवेज, यहाँ पर फ्लाइट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। सेकेंडली बाय रोड, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। एंड बाय ट्रेन, यहाँ पर 2 स्टेशन हैं, आगरा कैंट एंड आगरा फोर्ट। आगरा कैंट से ताजमहल 6 किलोमीटर की दूरी पर है एंड आगरा फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बेसिकली यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आप कार से आ रहे हो तो आप इजीली पार्क कर सकते हो। अगर आप बाय ट्रेन आ गए और आपने लगेज लाया है तो डोंट वरी, यहाँ पर लॉकर रूम भी है, तो हम अभी जाएंगे सामान भी रख देंगे। और मेनली यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप है ना लगेज कैरी नहीं कर सकते हो ताजमहल के अंदर, सो डिपॉजिट करना पड़ेगा। सेकेंडली आप सिर्फ मोबाइल और पानी कैरी कर सकते हो। गए लॉकर रूम और लॉकर रूम में आपको अपना बैग डिपॉजिट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप बाहर पानी मोबाइल ही कैरी कर सकते हैं। तो चलो बैग को अंदर रख देते हैं लॉकर रूम में। हमने बैग डिपॉजिट कर दिया है, पर बैग का कॉस्ट है ₹20। अगर आपके पास 2 बैग है तो ₹40। तो अब चलते हैं ताजमहल की तरफ। इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1। आपने तो न्यूज़ में सुना ही होगा कि ताजमहल पीला पड़ रहा है। वेल, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 500 मीटर की रेडियस पे पोल्यूशन ना हो। इसलिए आप मेरे पीछे ये व्हीकल देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये पोल्यूशन फ्री है। इसलिए अगर आप बाय कार आ रहे हो तो आपको पहले ही पार्क कर देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा 500 मीटर के लिए या तो चल के आ जाओ या तो फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो। और ये है हमारा फन फैक्ट नंबर 1। तो हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे। आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है और मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं इतनी लंबी लाइन में खड़े हो जाऊँ। वेल, टेंशन मत लो, रुको मैं टर्न लेती हूँ। टर्न लेके आप ये देख रहे हो ना पीछे, आप यहाँ से स्कैन करो और टिकट निकालो। फर्स्टली आपका टाइम सेव हो जाएगा, सेकेंडली आपको लाइन में खड़ा नहीं होना होगा। और यहाँ पर है ना 2 टिकट मिलता है, 1 is ₹250 का, जो आपको पूरा ताजमहल अंदर का देखने मिलेगा, दैट इज़ जहाँ पर दफनाया गया है शाहजहाँ और मुमताज को। एंड सेकेंडली ₹50 में सिर्फ आप आउटर एरिया देख सकते हो। आपको पता है जैसे ही आप ना एंट्री लेने जाओगे ना, यहाँ पर ना टोटली एयरपोर्ट लेवल की चेकिंग हो रही है और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। और फाइनली हमने चेकिंग भी करा लिया है और अंदर एंट्री भी ले ली है। तो अब जाएंगे ताजमहल की ओर। आप मेरे इस साइड जो रेड कलर का रूम्स देख रहे हो और उस साइड भी रेड कलर का रूम्स है, आपको पता है ये किंग के रूम थे। ये जो ताजमहल बनाए हैं ना वर्कर्स, उनके रूम थे। टोटल 22,000 वर्कर्स ने मिल के बनाया था ताजमहल को एंड उनका खुद का एक कमरा बनाया गया था। टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है रॉयल गेट और उसके पीछे है ताजमहल। और ताजमहल के चारों साइड है रॉयल गेट, दैट इज़ ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। और रॉयल गेट के बाहर ही वर्कर्स लोगों के रहने के रूम थे। बाय द वे, आप वो ऊपर डोम देख रहे हो ना, ऐसे ना टोटल 11 डोम सामने हैं और 11 डोम पीछे है। और ये एक एक डोम 1 ईयर्स दर्शाता है। ऐसे ही टोटल 22 डोम्स है। तो सबको पता है कि ताजमहल बनाने में 22 साल लगा है, तो यही डोम का ये सिंबल है।
जैसे ही हमने रॉयल गेट में एंट्री ली और पहली झलक ताजमहल की देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने इतना ब्यूटीफुल अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। अब अंदर जाके विटनेस करेंगे ताजमहल को। फर्स्ट स्पॉट जिसे पिक्चर गैलरी कहते हैं और लोग ऐसे करके फ़ोटो निकालते हैं या फिर ऐसे खड़े होकर फ़ोटो निकालते हैं। सबका अपना एक स्टाइल है ताजमहल के सामने फ़ोटो निकालने का। वेल, मैं भी ऐसे करके फ़ोटो निकाल लेती हूँ। जो हिस्ट्री के शौकीन है वो यहाँ पर ताज म्यूजियम में आकर हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। कल हमने म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया। म्यूजियम में काफी सारी इंफॉर्मेशन थे बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। वेल, जैसे ही आप म्यूजियम के बाहर आओगे जस्ट सामने पार्क है, तो अगर आप थक गए हो इन केस तो आप यहाँ पर आके आराम भी कर सकते हो। तो चलो जाते आगे की ओर। अभी तक आपने जो देखा वो ओनली 50 रुपीज़ का था बट अब मैं आपको 200 रुपीज़ डेट इज़ 250 रुपीज़ का दिखाऊंगी। तो चलो अंदर की तरफ। जो 50 रुपये की टिकट लेते हैं वो सिर्फ यहाँ से विटनेस कर सकते हैं और हम जाएंगे ऊपर की ओर और ताजमहल देखेंगे। जितना मज़ा ताजमहल को दूर से देखने में है उतना करीब से देखने में नहीं है। वेल, आप एक ही बार आ रहे हो तो डेफिनेटली 250 रुपीज़ इन्वेस्ट करना क्योंकि आप सेकेंड टाइम तो आओगे नहीं ताजमहल देखने। वेल, ये है ईस्ट गेट। ताजमहल की वजह से ये दिख नहीं रहा था बट फाइनली हमने चारों गेट कवर कर लिया है, दैट इज रॉयल पैलेस। और ये आप टावर देख रहे हो ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये है ना टिल्ट है टुवर्ड्स आउटवर्ड साइड। इसका मेन रीज़न क्या है पता है? इन केस कभी फ्यूचर में अर्थक्वेक आ गया तो ये उस तरफ गिरेगा ना कि ताजमहल को हार्म करेगा। और यमुना नदी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ही हिट कर रहा है। और जब शाम होने आएगा सनसेट का टाइम और यहाँ से सनसेट देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको पता है ताजमहल सुबह का रंग कुछ और होता है, दोपहर में सफ़ेद होता है और शाम को कुछ और रंग दिखाता है। तो ये तीनों रंग आप ज़रूर देखना जब भी आप ताजमहल आओगे। बचपन से मैं सिर्फ ताजमहल को टीवी में देखा करती थी या तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा था या तो फिर मैं गूगल करके फ़ोटोज़ देखा करती थी। बट आज जब मैं सामने से आके विटनेस कर रही हूँ उसकी मुझे रियल ब्यूटी पता चल रही है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। लाइक देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल वर्ड टू डिस्क्राइब ताजमहल। आप आओ एक बार, विटनेस ज़रूर करो ताजमहल को और अपने अंदाज में विटनेस करना।
अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने की, तो मेक श्योर आप फ्राइडे को ना आओ, क्योंकि फ्राइडे को बंद होता है। उसके अलावा आप कोई भी दिन आ सकते हो, बिकॉज फ्राइडे को यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है। हमारा ताजमहल एक्सप्लोर करके हो गया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं सेकेंड स्पॉट की ओर। आ गए हम हमारे सेकेंड स्पॉट पे, आगरा फोर्ट। हमने ताजमहल ऑलमोस्ट 5 घंटे स्पेंड किए, और जैसे ही हमारा ताजमहल एक्सप्लोर करके हो गया, हमने वहाँ से ई रिक्शा लिया जो हमें डायरेक्टली आगरा फोर्ट ड्रॉप किया, एंड जिसका कॉस्ट था ₹10। एंड देन जैसे ही हम आगरा फोर्ट आए, हमने टिकट लिया, ऑनलाइन टिकट, क्योंकि काउंटर फ़िलहाल के लिए बंद है। तो ऑनलाइन टिकट हमने ₹50 पे किया, और जैसे ही आप ₹50 पे करोगे, आपको एंट्री लेनी है। एक्सप्लोर करते करते 4 बज गए, और 4 बजे के बाद भूख लगी थी क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। बट 6:30 अराउंड आगरा फोर्ट बंद हो जाता है, तो हमें आगरा फोर्ट आना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो हमने लंच स्किप किया। अब आगरा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट। वेल, इतने सारे फन फैक्ट थे कि मैं सारे फन फैक्ट्स के नंबर भूल गई। आपको पता है आगरा फोर्ट का जो शेप है ना, वो इररेगुलर सेमी सर्कुलर है, और जो उसका कॉर्ड है ना, वो यमुना नदी के किनारे रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर टोटल ताजमहल की तरह 4 गेट है। आगरा फोर्ट में बहुत सारे गेट्स है ना बंद ही रखा गया है, मुश्किल से कुछ ही गेट्स खुले हैं। पर आगरा फोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है ताजमहल की तरह। वेल, मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, आगरा फोर्ट अपनी जगह, ताजमहल अपनी जगह। नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2 ऑफ आगरा फोर्ट। आपको पता है आगरा फोर्ट 1565 से बनना स्टार्ट हुआ, और लगभग 73 के आसपास बना। और यहाँ पर सबसे पहले राजपूत रह चुके हैं, देन मुगल्स आए। आप मेरे पीछे प्लेस देख रहे हो, यहाँ पर राजा बैठकर प्रजा का इंसाफ किया करते थे। और ये इसके जस्ट सामने दीवाने खास में एक है ना, तोप से हमला किया गया है, जिसका आज भी निशान है, एकदम छेद पड़ गया है। तो सोचो कितना वो तोप मजबूत रहा होगा एक दीवार को तोड़ने के लिए। आगरा फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया है, और मैंने यहाँ पर 3 से 4 घंटे स्पेंड किए। वेल, अब मैंने ताजमहल एक्सप्लोर किया और आगरा फोर्ट एक्सप्लोर किया, और मेरे पास एनर्जी नहीं बची है कि मैं जाके थर्ड प्लेस एक्सप्लोर करूँ। इन केस आपको और कोई प्लेस एक्सप्लोर करना है, तो आप देख रहे हो इस साइड मैं डिस्टेंस और प्लेसेस के नाम रेकमेंड कर दूँगी, तो आप ज़रूर जा सकते हो 1-डे ट्रिप में। बट आप आगरा आए
और आगरा फोर्ट और ताजमहल विटनेस नहीं किए तो समझना आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। और आगरा के पेठा ज़रूर लेके जाना, जितना इम्पोर्टेंट ताजमहल है उतना ही इम्पोर्टेंट पेठा है आगरा का। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने, बिकॉज़ हमने ना ही लंच किया है और डिनर का टाइम होने ही वाला है ऑलमोस्ट, तो डिनर करेंगे और यहाँ से मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो वन डे ट्रिप टू आगरा। एंड सो गाइस, बाय, टेक केयर, एंड आई एम प्रेजेंटिंग माई बजट।